सात चरणों में देश में लोकसभा का चुनाव होगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी मोर्चे से जुड़ी आपको बता रहे हैं। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वोटिंग की उसकी शुरुआत होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे, 7 मई को तीसरे, 13 मई को चौथे, 20 मई को पांचवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 25 मई को छठे और 1 जून को सातवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और ये पता चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा राजनीतिक गठबंधन 18वीं लोकसभा में संसद में सत्ता पर काबिज हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल कितने तैयार हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल डिबेट लाइव में आज हमारे साथ जुड़ेगा। चुनाव की तारीखों के बाद अपनी अपनी राजनीतिक तैयारी और अपने अपने राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है। अब की बार 400 पार का नारा एनडीए गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। लगातार वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन नया रिकॉर्ड बनाएगा, 400 के पार लोकसभा सीटें जीतकर। प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ये पहला पोस्ट, ये पहला रिएक्शन जिसमें वो कह रहे हैं बीजेपी एनडीए पूरी तरीके से तैयार। सामाजिक पिछड़ापन है तो उसके लिए आपको गिनती तो करनी आवश्यक है, किस वर्ग की कितनी संख्या है, तभी आप नीति निर्धारण कर पाएंगे। जैसे राहुल जी कहते हैं कि एक एक्सरे रिपोर्ट की आवश्यकता होती है इलाज करने से पहले, तो बिल्कुल ये हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने किया है उसके खिलाफ जो एक माहौल बना है वो भी बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। महिला सुरक्षा आप देख रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं क्या हालत है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसान जो आज भी दिल्ली के बाहर इंतजार करते हैं दिल्ली में घुसने के लिए, एमएसपी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी मोर्चे से जुड़ी आपको बता रहे हैं। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वोटिंग की उसकी शुरुआत होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे, 7 मई को तीसरे, 13 मई को चौथे, 20 मई को पांचवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 25 मई को छठे और 1 जून को सातवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और ये पता चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा राजनीतिक गठबंधन 18वीं लोकसभा में संसद में सत्ता पर काबिज हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल कितने तैयार हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल डिबेट लाइव में आज हमारे साथ जुड़ेगा। चुनाव की तारीखों के बाद अपनी अपनी राजनीतिक तैयारी और अपने अपने राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है। अब की बार 400 पार का नारा एनडीए गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। लगातार वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन नया रिकॉर्ड बनाएगा, 400 के पार लोकसभा सीटें जीतकर। प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ये पहला पोस्ट, ये पहला रिएक्शन जिसमें वो कह रहे हैं बीजेपी एनडीए पूरी तरीके से तैयार।